हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सर हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ डेंटल कॉलेज के बारे में, जो कि ऑब्वियसली आजमगढ़ में ही लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपको बताऊंगा यहां की बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहां की फीस स्ट्रक्चर, यहां की प्लेसमेंट एंड और ढेर सारी डिटेल्स, लाइक अगर आपका यहां पे नीट में थोड़ा बहुत कम स्कोर है तो कैसे एडमिशन होगा, बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। आजमगढ़ डेंटल कॉलेज इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में, ठीक है। एंड मतलब आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँ यहाँ की कुछ मतलब एफिलिएशन वगैरह के बारे में, तो VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है एंड अप्रूव्ड है DCI यानी डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से। तो ये होगी इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो इनका कैंपस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वेल इक्विप्ड कैंपस है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी से फ़ायदा ये होता है कि आपको डेली पेशेंट्स को मतलब प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। पेशेंट्स आते हैं तो आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है, आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। लैब वगैरह तो फुली इक्विप्ड है ही। देन इसके अलावा फटाफट से हम आगे बढ़ते हुए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यार बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको आजमगढ़ डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 8-9 लाख में आपका यहाँ पे विद हॉस्टल एडमिशन हो जाएगा गेट एडमिशन के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराने जाएंगे कॉलेज के थ्रू तो आपको ये कम से कम 13 लाख तक मिलेगा कॉलेज, तो काफ़ी ज़्यादा वो है। तो गेट एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप से मिल जाता है। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको नीट का स्कोर में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कट ऑफ के बारे में बात करूँ इस साल की, तो 164 जनरल की कट ऑफ है, 129 है आपकी OBC SC और ST की। तो अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, लास्ट ईयर की आपको पता ही होगा 107 थी OBC SC ST की एंड 137 थी जनरल की, तो इस साल की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हाई है। तो अगर इस साल आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया नीट में तो आपका BDS में एडमिशन हो सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया इस पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सकें एंड आपको ज़्यादा कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो मर्जी है करें एंड अपना एडमिशन बुक कराएं। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, मतलब कोशिश तो यही होती है कि 100% प्लेसमेंट इनकी रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एवरेज जो पैकेज मिलता है वो 2-3 लाख मिलता है, 2-3 लाख के अंदर अंदर, ठीक है, पर ईयर का। एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 4-5 लाख चला जाता है। मोस्टली इनके खुद के हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं, स्टाइपेंड भी मिलता है बट एक डिसेंट स्टाइपेंड होता है। एंड यहाँ पे आप अपना खुद का डेंटल क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, मतलब अपने कोर्स के बाद, तो वो आपके ऊपर है टोटली। एंड देन इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, वो मिलती है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो जब आप एडमिशन के टाइम पे आएंगे तब आपको वो समझ आ जाएंगी कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाई फाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम्स एंड यहाँ पे आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाती है। तो ढेर सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है कैंपस में वो यहाँ पे मिलती हैं एंड कैंपस की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आई थिंक अब इस वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गेट एडमिशन को कॉल करें अपने एडमिशन के लिए।